डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो बोलते जाइए, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कहाँ कहाँ डाउट है, जिसमें जिसमें डाउट है फटाफट बोलते जाइए। आवाज नहीं आया कोई, अगर कुछ बोला हो तो। 96 96, क्वेश्चन नंबर 96। श्रुति श्रेया तुम बहुत लेट आती है, देखो, काहे इतना लेट आती है? तुम्हारा सब फोन हैंग कर गया था तो लिंक भी नहीं सारा दिख रहा। प्रॉब्लम क्लास के टाइम पे शुरू होता है क्या? 92 तो होमवर्क दिए नहीं हम। नालायक इंसान, 92 तो होमवर्क ही नहीं दिया। नहीं 96 सॉरी। 96, अच्छा 96 में द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, CuSO4, K2SO4 आर। तो अगर हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें जाएगा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यहाँ वन टू फैक्टर वाला पार्ट टू के बराबर है, यहाँ भी वन टू फैक्टर वाला पार्ट टू के बराबर है, यहाँ पे वन टू फैक्टर वाला पार्ट थ्री के बराबर है। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी सॉल्ट डालेंगे उससे जो भी वन टू फैक्टर मिलेगा वहां से रिलेटिवली नंबर ऑफ पार्टिकल्स आराम से सोचा जा सकता है। तो जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा लोअर होगा। तो ज्यादा लोअर होने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि, एक सेकेंड, क्या पूछा है? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा ना? हाँ ठीक है। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला पार्ट है डेल्टा पी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। और क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल वाले पार्ट का डिसोसिएशन हो सकता है तो यहाँ पे वन टू फैक्टर आई लगा दो। तो पहले वाले केस में जो भी वेरिएशन होगा टू रहेगा, दूसरे वाले केस में जो भी वेरिएशन रहेगा वो थ्री रहेगा, तीसरे वाले केस में सॉरी टू रहेगा, थर्ड वाले केस में थ्री रहेगा। उसका रेशियो सॉल्यूशन में कहीं कहीं दे रखा है, तो 1:1:3/2 ऐसा कुछ हम लोग का वैल्यू आना चाहिए हम लोगों के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले पार्ट में। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से थर्ड सॉरी सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। समझ आया सवाल? क्वेश्चन हाँ सर, नंबर 96 के अलावा साहिल तुम कुछ बोला था? कितना? 63 63। तो खाना वाना खा के नहीं आता है क्या? इतना धीरे बोलता है, आवाज ही नहीं आता है। 63, वेरी 63। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा घटिया सवाल पूछते हैं भाई। ऑस्मोसिस में यही ना बताए थे कि सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करेगा। तो अगर मान लो एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ सॉल्वेंट है, पार्टिकल इधर से मूव करके चला गया, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करके चला गया, तो सॉल्यूशन के साइड में वॉल्यूम बढ़ेगा। बोल सकते हैं आराम से, आंसर वन दिया, डिक्रीजेस ग्रेजुअली। दिया, नहीं सर 2 दिया है। कुछ खा पी रखा क्या तुम साहिल? देखो एक बार फिर से आंसर। 63 के अलावा और कोई डाउट? सर 69 69। क्वेश्चन नंबर 69 में विच इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट एक्ट्स एज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। की लास्ट क्लास में हम बोले थे कि याद रखना होगा, कैल्शियम सल्फेट सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है। ये हमको जहां तक ध्यान है ऑप्शन वन आंसर होना चाहिए। अंडा याद है? अंडा, अंडा का जो छिलका होता है, सुना Yes. है कभी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होता है? तो आंसर गलत दिया हुआ है, क्या दिया आंसर? कॉपर वाला दिया। कॉपर वाला, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये भी होता है क्या? मेरे हिसाब से तो कैल्शियम सल्फेट, सॉरी एक सेकेंड, नहीं, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट होगा कार्बोनेट ना। होता है, कार्बोनेट होता है वो, सॉरी। नहीं तो फिर ठीक है, फिर हाँ, वो हो सकता है हम ही आंसर गलत बोल रखा, हमको आइडिया फिर इस चीज का नहीं है। ऑल्दो वैसे हम लास्ट क्लास में बोले थे कि इसको याद रखना होगा फैक्ट को, उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेट कर लिए। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, कॉपर फेरोसाइनाइड वाला पार्ट हम लोग का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है, याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 65, 124 906 124 106 कितना? 76, 76 कर लेते पहले। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्यूट
per 100 ml was found to have osmotic pressure equal to 500 cm of mercury at 27 degree Celsius. The molecular weight of the solute is, हम लोगों के पास formula है, pi is equal to I into C into R into T, non-volatile solute particle, मतलब I वाला part तो 1 के बराबर होगा. R का value हम लोग आराम से 0.0821 ले सकते हैं, अगर हम लोग osmotic pressure को ATM के term में डालेंगे तो, और 27 degree Celsius का मतलब 300 Kelvin हो गया. तो हम लोग का जो pressure है, वो 500 के बराबर है, centimeter. 500 सेंटीमीटर बोला है, जबकि नॉर्मली 1 ATM is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है, 760 नहीं, वो मिलीमीटर में होता है. तो 500 डिवाइडेड बाय 76 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, अगर निकालना है 4 ग्राम दे रखा, 4 नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 के बराबर इन लीटर, इसका मतलब 0.1 कर सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कंसंट्रेशन में सीधा 100 by 1000 सीधा ऊपर 10 चला गया. उसके अलावा हम लोगों का R का वैल्यू होता है approximately 1 by 12, जिंदगी आसान करने के लिए 0.0821 को 1 by 12 ले सकते हैं, और टेम्परेचर है 300 के बराबर. तो यहां से M जब कैलकुलेट करेगा अपन, तो 4 into 10 into 300 into 76 divided by 500 into 12, तो यहां से कैलकुलेशन है, पहले तो ये हटाओ, फिर उसके अलावा ये भी हटाओ, फिर उसके अलावा क्या बच गया, चलो यहाँ तो 10, यहाँ पे 4, फिर उसके अलावा ये भी हटाओ, बाकी बचा हम लोगों का वैल्यू में 510, मतलब 276 into 2, मतलब 152 टाइप का कुछ वैल्यू होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं. हाँ तो ठीक है, ऑप्शन सेकंड कंसिडर कर सकते हैं, 150, एक सेकंड, कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं कर रहे. हाँ तो ठीक है, 152 149 पॉइंट समथिंग यही आंसर होना चाहिए. बाकी वैल्यू तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस में है. ऐसा वैल्यू इसलिए आया क्योंकि जैसे हम लोग जो आर का वैल्यू उसको हम लोग 1/12 ले रहे हैं, अगर इसके जगह 0.0821 होता तो हम लोग आंसर थोड़ा नियर परफेक्ट आना शुरू हो जाता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 के बाद और कोई डाउट है तो बताइए. 106, इतना जोर से बोले कि बाकी लोग हिम्मत भी नहीं करेगा सवाल पूछने का. 106 तो यही दिख रहा है ना. Which salt shows maximum osmotic pressure in its one molar solution? कौन सा salt maximum osmotic pressure show करेगा? तो हम लोगों का concentration सब जगह same है, तो ये किसी काम का नहीं. R तो constant है, किसी काम का नहीं. Temperature definitely constant दिया होगा, उसको अलग अलग वैल्यू पे मेजर नहीं कर सकते, किसी काम का नहीं, मतलब पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा पाई. ऑप्शन थर्ड दिखाई दे रहा है हमको, तो क्या कैसा सवाल पूछती है, ऐसा सवाल पूछेगी. क्वेश्चन नंबर 106 के अलावा और कोई डाउट? कौन सा? 124 कहाँ है भैया? 124 व्हेन मर्करी iodide is added to aqueous solution of potassium iodide, mercuric iodide, इसका मतलब HgI2 की बात कर रहे हैं, potassium iodide मतलब Ki की बात कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट में शायद K2HgI4 बनता है. अगर तुम लोगों में से कोई भी इंसान अपने मोल कंसेप्ट का बुकलेट उठा के देखेगा क्लास 11th का, तो उस मोल कंसेप्ट के बुकलेट में जहां पे हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं वहां पे रिएक्शन दे रखा है कि हम लोगों का Ki वाला पार्ट HgI2 के साथ रिएक्शन करने पे K2HgI4 का फॉर्मेशन कराता है. और अगर मान लो हम लोग इसको कंपेयर करना शुरू करें कि हम लोगों के पास Ki है, Ki का मतलब हम लोगों के पास पहले से दो आयंस प्रेजेंट है और हम लोग बाहर से कुछ कुछ डाल रहे हैं, तो अगर हम लोग का ये कंपाउंड बन रहा है तो उस केस में हम लोग का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसे चेंज करेगा. ऑल्दो हम सजेशन देंगे तुम लोगों को कि एक बार डी ब्लॉक में रिएक्शन कंफर्म कर लेना कि अगर हम K2HG2 के जगह पर कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता है HG2 दे रखा हो, अगर वैसा कुछ होगा तो इक्वेशन के बैलेंसिंग में दिक्कत आएगा. इस चीज को दो जगह कंफर्म कर सकते हैं, एक तो हैलोजन फैमिली वाला पार्ट, हैलोजन फैमिली में जहां पे आयोडीन दे रखा होगा उसमें एक रिएक्शन दे सकता है, या फिर डी ब्लॉक वाले पार्ट में देखना जहां पे मरकरी वाले ग्रुप से रिलेटेड हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उससे एक बार रिएक्शन कंफर्म कर लेना.
अगर इन केस हम HG2 वाला पार्ट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो या फिर गलती कंसिडर कर ले रहे होंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुमको मालूम पड़ जाएगा कि शुरुआत में कितना था और इसके एडिशन से हम लोगों को कितने पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं, तो उससे हम लोग आइडिया लगा पाएंगे आराम से कि हम लोगों का वांटो फैक्टर वाला पार्ट मतलब HGI2 डालने की वजह से जो हम लोग, और इसमें ये कॉम्प्लेक्स अमाउंट भी बनता है, एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स अमाउंट रहता है, तो HGI2 डालने से हम लोग के नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट रह रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहा होगा तो हम लोगों का वांटो फैक्टर वाला पार्ट जो है उसके हिसाब से हम लोग आराम से बाकी चीजें कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट रह रहा होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ भी सकता है अगर डिसोसिएशन हो रहा होता टाइप से, तो उसके हिसाब से भी आराम से सोचा जा सकता है। तो एक बार उसको चेक कर लेना कि हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये इक्वेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 124 के अलावा और कोई डाउट? 125 में the molecular weight of benzoic acid in benzene as determined by depression is freezing point method correspond to the dimerization of benzoic acid, तो रटना है वैसे इसको, बाकी जगह से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, मतलब बाकी स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। ये हम सवाल लास्ट क्लास में जहाँ पे होमवर्क दे रहे थे तुमको अपने आप देखते ही मालूम पड़ गया था। हम लोग जब बेंजोइक एसिड वाला पार्ट लेके चलेंगे, इनफैक्ट बेंजोइक एसिड भी छोड़ो, कोई भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते हैं, तो इस केस में हम लोगों का डाइमराइजेशन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये चीज बेंजीन में आसानी से होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट में। तो इस तरह के डाइमर के फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों का जो मोलर मास है वो चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस तरह का कंसेप्ट आता भी है कि हम लोग के डाइमराइजेशन होने से, जैसे हम लोग का मोलर मास मान लो 60 होना चाहिए एसिटिक एसिड का, दूसरे का भी 60 होना चाहिए, बट दोनों अगर एसोसिएटेड फॉर्म में रह रहा है तो टोटल मोलर मास हम लोग को 120 दिखाई देगा। तो ये हम लोगों का एबनॉर्मल मोलर मास का पार्ट है। ऑल्दो हम वांटो फैक्टर वाले पार्ट के जो बोले थे ना दो पार्ट तीन पार्ट और भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतना सोचा जा सकता है। ये तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, ये ना कि सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल है। और कोई डाउट तो बताइए। 128 पे आ रहे, पहले 93 देख लेते हैं। वांटो फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज वन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वांटो फैक्टर 93 के अलावा और कोई डाउट? 100 से पहले कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। 100 से पहले 100 सर 100 डाउट है। 100 कहा है 100? अ सॉल्यूट ए इज टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्यूट बी इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट इफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट बी प्रोड्यूसेस एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2p देन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एट द सेम टेम्परेचर विल प्रोड्यूस एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्वल टू। तुम लोगों को डाउट इसमें नहीं होगा, सवाल में डाउट तुम लोगों को इसमें हुआ होगा जहां तक हमको लग रहा है, है ना? ये वर्ड में डाउट नहीं होना चाहिए। तुम लोग सब नालायक लोग है, कहे इतना इंग्लिश स्कूल से पढ़ता है, और जबकि हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बाइनरी वर्ड यूज किए थे। इनफैक्ट ये मोल कंसेप्ट में भी टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशन। जब भी हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं तो बाइनरी टर्म में बात करते हैं। बाइनरी का मतलब दो, तो टर्नरी का मतलब क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियस बात है तीन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे बाइनरी सॉल्यूशन जब बोलेंगे तो दो कंपोनेंट मिला, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे तीन कंपोनेंट मिला, बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे तो ये पार्ट रहेगा जिसमें दो एलिमेंट्स के एक एक सिंगल सिंगल एटम है। जब टर्नरी कंपाउंड बोलेंगे तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोगों का बाइनरी कंपाउंड है, सॉरी सॉल्यूट भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसका वांटो फैक्टर तो 1 के बराबर होने वाला है, और हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं पाई बी इज इक्वल टू 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट बी प्रोड्यूसेस एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2p, तो आई इंटू सी आर टी कंसिडर कर सकते हैं पाई बी वाले पार्ट में, और वांटो फैक्टर 1 के बराबर है तो हम लिखते जा रहे हैं 1, कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर है, आर और टी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब पाई ए कंसिडर करेंगे तो टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है मतलब डिसोसिएशन होगा, और टर्नरी है इसका मतलब वांटो फैक्टर कितना होना चाहिए Ab2 का? 3 × 0.05 × RT। पाई बी वाला पार्ट 2p के बराबर दे रखा है, इसको 2p कर देते हैं,
अब यहाँ से बस रेशियो ले लो, जब रेशियो खींच बीच में लाइन खींचेंगे रेशियो आएगा तो आर टी कैंसिल, पाई ए सॉरी 2p अपॉन पाई ए इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 0.05, ऐसा कुछ वैल्यू है अपने पास। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन में इसको हटा देते हैं, 0.5 आएगा, बाकी कैलकुलेशन तुम्हारी जिंदगी में आसानी से किया जा सकता है। पाई ए इज इक्वल टू 2p इनटू 3 इनटू 0.05 100 के बाद कोई डाउट है तो बताइए। 112 Which one of the following pair of solutions will be expected to be isotonic? Oh, sorry, गलती से दे दिया सवाल, इसको भी मिटा देते हैं। Isotonic का मतलब होता है जिसका osmotic pressure same होता है। ये term अभी तक हम use नहीं कर पाए हैं last class में। ये just अगले class में सबसे पहला point होगा isotonic solution। Although ये word शायद तुम लोगों ने सुना होगा, हमको लगता है biology में सुना होगा। Biology में 11th class में पढ़ाया जाता है ना? Yes sir। तब तो तुम लोगों से बना जाना चाहिए। चलो बना। Which one of the following pair of solution will be expected to be isotonic under the same temperature? Isotonic का मतलब मालूम होगा osmotic pressure बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब I into C1 into RT must be equal to I2 into C2 into RT। तो यहाँ से RT RT हटाएंगे तो I1 into C1 must be equal to I2 into C2 होना चाहिए। Compare करो आराम से, बन जाएगा सवाल। पहला तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे concentration same है लेकिन। हाँ हाँ आ रहा है उसी आंसर। 2 दिया है। नो सर 4 दिया। 4 होना चाहिए, देख के तो 4 लग रहा है। 2 तो आंसर वही है। सब ठीक है, सब भांग वांग खा करके सब क्वेश्चन सॉल्व करता है। हमको मालूम है मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद लोग खूब भांग पीते हैं, उनको मालूम है कि नेचुरल इंटॉक्सिकेंट है तो इससे नुकसान भी नहीं होता, लेकिन अभी से ही लोग भांग पीने लग गए हैं ऐसा लग रहा है। कॉलेज में जाने का वेट नहीं करना चाह रहे, इतना सर लेट कौन करेगा, बड़े हो गए अब। और कोई डाउट तो बताओ। 115। चलो उसके बाद आते हैं 115 पे। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर BaNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, करेक्ट बट ऐसा खटिया सा सवाल है। BaNO3 होल ट्वाइस ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, Ab2 वाला पार्ट डिसोसिएट करके A+N2B- बनाएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 लेके चले तो यहां से अल्फा पार्ट डिसोसिएट करेगा, α N2α बनेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.74 दे रखा, ये कैंसिल आउट होगा तो अपना वैल्यू होगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.74, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0.87, ऐसा कुछ वैल्यू होना चाहिए 0.87। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हम बताए थे और 0.87 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑल्दो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, परसेंटेज डिसोसिएशन 87 होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.87 होना चाहिए, बट चलो ठीक है, इतना कॉमन सेंस में लोग मान लिया करते हैं। समझ आया सवाल 128 जिसका भी डाउट था? यस। 128 के अलावा 115 था ना किसी का डाउट? यस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इनटू केएफ इनटू एम, सब का कंसंट्रेशन सेम है 0.1 मोलर, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि सबका मोलैलिटी भी सेम होगा। ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए बट मान लेते हैं क्योंकि मोलैलिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो मोलैलिटी सेम है, ये अपने किसी काम का नहीं। केएफ वाला पार्ट तो वाटर का सेम होता है, किसी काम का नहीं, मतलब डेल्टा टीएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांटो फैक्टर आई, जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा। सोडियम क्लोराइड में वांटो फैक्टर कितना है, किसका डाउट ही है? श्रुति का डाउट है शायद से, बोलते जाओ भाई। सोडियम क्लोराइड में वांटो फैक्टर कितना? बोल ही नहीं रही जी। सर 2। और पोटेशियम सल्फेट में?
पोटेशियम थ्री यूरिया वन ग्लूकोज वन तो सबसे ज्यादा वांटो फैक्टर पोटेशियम सल्फेट में है मतलब सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट का लोअरिंग डिप्रेशन सबसे ज्यादा पोटेशियम सल्फेट में होगा तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का लोअरिंग नहीं पूछा यहाँ पे उल्टा इनफैक्ट ये पूछा कि सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा तो जिसमें लोअरिंग सबसे ज्यादा है उसका वैल्यू सबसे नीचे तक जाएगा ऑप्शन वन आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 के अलावा और कोई परेशानी 130 कहाँ है 130 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता तो है थोड़ा बहुत क्योंकि सॉल्वेंट ही तो डिसोसिएशन करा पाएगा ना सॉल्यूट का ऐसा बोल सकते हैं क्या। अगर वांटो फैक्टर वाला पार्ट कैरी करना है एक सेकेंड थोड़ा कॉल आ रहा है हाँ ये बोल रहे थे कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करके वांटो फैक्टर 2 या 3 देगा बट वो डिसोसिएट तो तब करेगा ना जब सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट हो तभी डिसोसिएशन मिलेगा अदरवाइज जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सबके सब नॉन डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा वांटो फैक्टर थोड़ा चेंज हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं क्या। yes, तो ये जो छोटा सा पॉइंट है ये बहुत मैटर करता है एक्चुअल में जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बोला जाता है कि दीज प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट बट केवल इस डिसोसिएशन के पॉइंट को छोड़ दें केवल इस डिसोसिएशन के पॉइंट को जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट बोला तो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर भी चीजें डिपेंडेंट है क्योंकि मान लो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो भी तो नेचर ऑफ सॉल्यूट का पार्ट हो गया ना तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का पार्ट हो गया सॉल्यूट के नेचर का पार्ट हो गया तो भी चीजें खराब करेगा तो इसीलिए थोड़ा ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल जो एकदम पॉइंट है उससे एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से चीजें थोड़ी खराब हो रखी है तो समझ में भी नहीं आता कि इसको एग्जैक्टली कहाँ पे बाउंड्री में पुट किया जाए इसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड माना जाए ना माना जाए कुछ समझ नहीं आता क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है बट केवल एक सिंगल पॉइंट के ऊपर चीजें थोड़ी खराब हो रखी है थोड़ा ध्यान रखना है इसका। 130 के अलावा क्वेश्चन नंबर 133 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX इज टू 20% आयनाइज्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज अरे तो बनाओ यार आराम से सब सवाल 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX दे रखा जो डिसोसिएट करके H प्लस एंड X माइनस बनाएगा अगर ये 20% डिसोसिएटेड है तो कंसंट्रेशन 0.2 के बराबर है हम एक काम करते हैं हम वांटो फैक्टर डायरेक्टली निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोग का वैल्यू दे रखा है 0.2 के बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सामने 0.2 बनेगा 0.2 बनेगा वांटो फैक्टर आई विल बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ आयंस या फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कैंसिल आउट हुआ बचा 1.2 के बराबर वैल्यू तो वांटो फैक्टर तो मालूम पड़ गया अपने को। अब इसके बाद अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट अपने को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ऑल्दो वाटर का क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है इसलिए अपना काम आसान हो जाता है बट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई 1.2 इंटू के एफ है अपने पास 1.86 इंटू एम 0.2 के बराबर तो 1.2 इंटू 1.86 इंटू 0.2 कितना आना चाहिए तो ऐसा कर ले क्या इसमें 1.2 को 1 मान लेते हैं 1.86 को 2 मान लेते हैं और यहाँ 0.2 है मतलब अपना वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 0.4 के अराउंड आ रहा तो 0.4 के अराउंड तो नहीं आएगा उससे थोड़ा बड़ा आना चाहिए क्योंकि हम लोग 1.2 को 1 माने थे ज्यादा बड़ा गैप था 1.86 से 2 जाना बहुत बड़ा गैप नहीं था अपना वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0.4 होना चाहिए ऐसा सोचा जा सकता है बेसिकली और 0 डिग्री से हम लोग इतना फ्रीजिंग पॉइंट लोअर चले जाएंगे मतलब हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट 0 - 0.4 समथिंग मतलब -0.45 इस टाइप से कुछ कंसिडर किया जा सकता है तो अरे यार बड़ा गंदा वैल्यू दे रखा है इसमें मतलब ऑप्शन तो मेरी सेकंड होना चाहिए लेकिन मतलब ठीक है फिर भी थोड़ा मतलब यहाँ पे वैल्यू ऐसा दे रखा है जो हम सजेशन देंगे कि कैलकुलेशन कर लो
मतलब ठीक है 0.4 में आ गया अपना आंसर, बट स्टिल हम सजेशन देंगे कि इस तरह का बिल्कुल अगर नियर बाई वैल्यू है तो कैलकुलेशन कर लेना, 6-7 यूनिट का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता, बट क्वेश्चन समझ में आ गया वो तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 133 के अलावा और कोई डाउट? खत्म, डाउट खत्म। हम लास्ट क्लास में बोले थे कि बहुत ज्यादा डाउट नहीं आएगा, इसको सॉल्यूशन वाले पार्ट में सब सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन में रिपीटेशन होगा, अदरवाइज डाउट नहीं आना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताओ भाई कहीं कोई डाउट तो क्या है? 70, एक मिनट, 70 क्वेश्चन नंबर 70 वाले पार्ट में, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्स, then the de Broglie wavelength of electron in the third orbit is nearly, ये शायद हम last class पे तुम लोगों को बताए थे, n lambda is equal to 2 pi r, ऐसा एक relation भी आता है, ऐसा सुना है कहीं पे? अच्छा सॉरी, हम शायद थोड़ा मिस कर दिए, तुम लोगों को जो बताए थे उसमें एक चीज शायद गलती बोल दी है जहां तक हमको ध्यान आ रहा है। एक फॉर्मूला हम लोग ये लिखे थे, mvr is equal to nh upon 2 pi, हम यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया तुम्हारे फॉर्मूले में, थोड़ा मिस्टेक किया, बट तुम लोग को बुकलेट में ये चीज मिल जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली। mv को उठा के नीचे ले जाओ, 2 pi को उठा के ऊपर ले जाओ, तो हम लोग का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन में 2 pi r is equal to n into h upon mv आएगा, हम केवल h upon mv लिख दिए थे, तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा गलत होगा, वहां पे हम केवल लेमडा लिखे होंगे, एन लेमडा होना चाहिए, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला निकल के आएगा, ऐसा सोचा जा सकता है। तो अगर हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोगों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट का क्या मतलब होता है मालूम है किसी को? व्हाट इज फर्स्ट बोर ऑर्बिट? कोई भी इंसान जिसको ये टर्म मालूम है, बोर्स मॉडल कौन सा एटम के लिए है ये बताओ? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए, तो जब भी फर्स्ट वर्ड यूज किया गया तो हमेशा हाइड्रोजन के लिए होगा। हाइड्रोजन के n इक्वल टू 1 का या ग्राउंड स्टेट का जो ऑर्बिट, मतलब जो रेडियस है या फिर जो ऑर्बिट नंबर है, दैट इज फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना। तो आप लोगों के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का वैल्यू एक्स है, और मालूम है अपने को पहला बोर ऑर्बिट का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ऑल्दो हमको इससे मतलब नहीं है बट स्टिल हम बता दे रहे हैं इस चीज को, और उसके बाद फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, एटॉमिक नंबर हम लोग का 1 है, एन स्क्वायर वाला पार्ट 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से जब हम लोग थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, तो थर्ड ऑर्बिट वाले पार्ट का जब हम लोग को वैल्यू निकालना होगा, ऐसा कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 0.529 इनटू थर्ड ऑर्बिट का मतलब 3² / 1 रेशियो ले लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा y इज इक्वल टू 9 इनटू x, ये हम लोग का फॉर्मूला निकल के आएगा, मतलब थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकल के आ गया। अब हम लोग को निकालना है वेवलेंथ, हम लोग को लेमडा चाहिए, और हम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, ऑल्दो ये फिजिक्स में ज्यादा काम आता है, 2πr इज इक्वल टू एन लेमडा, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो इस केस में रेडियस वाला पार्ट मालूम है अपने को, तो हम लोग 2π × 9x इज इक्वल टू एन लेमडा, एन मतलब ऑर्बिट नंबर, एन इंटू लेमडा कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू 3 लेमडा इज इक्वल टू 6π x, ऐसा टाइप का कुछ आना चाहिए, ऐसा सोचा जा सकता है। तो लेमडा या डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू 6, यहाँ थोड़ा एक फॉन्ट का एरर है, जो पाई है वो पी में कन्वर्ट हो गया है, तो 2πx मतलब 2πx होना चाहिए, 6πx मतलब 6πx होना चाहिए, यही अपना आंसर आएगा। और कोई डाउट तो बताइए, सवाल समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 70, मतलब क्वेश्चन नंबर 70 समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, और कोई डाउट तो बताओ? यस 67 68, पहले देखते हैं फिर 77 देखेंगे। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद विरार एफ लोकल ट्रेन, ये शायद मुंबई में चलता है, एसोसिएटेड विद विरार एफ लोकल ट्रेन हैविंग मास इतना इनटू एंड स्पीड ऑफ इतना ए इज, ए कैसे सवाल पूछ रहे भाई, ये ना माइनस होना चाहिए, डबल कॉलन दे दिया, समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलो सर, माइनस पावर में होना चाहिए। अच्छा,
वो तुम्हारे फॉन्ट का ही एरर है, माइनस पावर में होना तो चाहिए, वहां पे होगा माइनस, बट वो फॉन्ट के चेंज होने की वजह से ऐसा हो गया है। अगर माइनस पावर में होता तो, और हम लोगों को ऑर्डर में पूछा है, मतलब एग्जैक्टली आंसर नहीं पूछा, मे बी हो सकता है एग्जैक्ट भी आंसर हो, बट ऑर्डर की बात कर रहा है, तो एक बार देख लेना, मतलब 10 टू द पावर माइनस के टर्म में वैल्यू हम लोग का क्या आ रहा है। और यहाँ पे एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर में आ रहा है, मीटर। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू, जो पहला वाला वैल्यू 10^-41 मीटर के बराबर होगा। तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसमें से 10^-3 को बाहर खींच लेना, जैसे उसको बाहर खींचेंगे तो हम लोग का वैल्यू एंगस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी बाहर मत खींचना, 10^10 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के अलावा और कोई डाउट? 77 4 क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, हम लोग के क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक तो आर्गन हो गया, सॉरी यहाँ तक नियोन हो गया, फिर उसके बाद 3s2 और 3p5, तो दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3p5 में ही होगा। तो 3p में हम लोग के पास तीन सबशेल, 3p सबशेल के अंदर हम लोग के पास तीन ऑर्बिटल है, तो एक तो n=3 होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में कहीं पे रहने वाला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है वो n=3 हो जाएगा, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। p सबशेल की बात कर रहे हैं, p सबशेल का मतलब l=2 हम लोग का वैल्यू 1 होना चाहिए, s सबशेल में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, s pdf 0 1 2 3, तो l का वैल्यू हम लोग का 1 होना चाहिए, तो पहला छूट गया, लास्ट छूट गया, ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, m का वैल्यू जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, ये हम शायद से परसों तरसों शायद डिस्कशन ग्रुप में भी जानबूझ के डिस्कशन करने के लिए डाले थे, क्योंकि हमको मालूम था कि बहुत सारे लोग इस चीज को भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है। पहला इलेक्ट्रॉन कहीं भी फिल करो, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लेफ्ट से राइट फिल करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करो, यहाँ फिल कर सकते हैं, दूसरा यहाँ फिल करो, यहाँ कर सकते हैं, तीसरा पहले वाले में फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा फिर मेरी मर्जी तो हम लास्ट वाले में फिल कर देंगे, फिर पांचवा पहले वाले में फिल कर देंगे, छठा बीच वाले में फिल कर देंगे, ये अपनी मर्जी है, क्योंकि हम लोग एक ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में, एक जेड में, इलेक्ट्रॉन को क्या मालूम कि एक्स कौन सा, वाई कौन सा, जेड कौन सा, मेरी मर्जी, इसको हम बोलेंगे नहीं, हम इसको जेड एक्सिस मान रहे हैं, तो इसको जेड मान सकते हैं। तो कौन से ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है या किस ऑर्डर में उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऑल द ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो इस केस में हम लोग का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों पॉसिबल वैल्यूज है, बट स्पिन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, बचा अपने पास ऑप्शन बी। बुझाया श्रुति? यस सर। तुम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो पहले, तो इक्वेशन हम अभी जस्ट डिस्कस किए थे वहां पे कुछ दिन पहले, बहुत डिटेल में कुछ कुछ डिस्कशन चला था। और कोई डाउट तो बताइए 77 के अलावा? 80 which statement is not correct for n=5 and n=2? कौन सा statement सही नहीं है? अगर n=5 का value होगा तो l का value 0 से लेके 4 तक हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 तक लेके जा सकते हैं। कौन सा statement सही नहीं है? अच्छा, which statement is not correct for n=5 and m=2? l=4 हो सकता है, possible है, l=0, 1, 2, 3 हो सकता है, possible है, spin का value कुछ भी हो सकता है, possible है, l=3, एक मिनट, n=5, m=2, समझ तो नहीं आ रहा,
एल जीरो और वन नहीं होगा, जीरो और वन नहीं होगा, एम इक्वल टू टू। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, m का वैल्यू माइनस l से प्लस l तक होता है, तो जब l का वैल्यू 0 और 1 होगा तो उस केस में m का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। मतलब n के हिसाब से तो l का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, n के हिसाब से 0 1 2 3 हो सकता है, लेकिन अगर m इक्वल टू 2 है तो l का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 से शुरुआत करना पड़ेगा, 2 एंड 3 एंड 4 हो सकता है। तो 2 3 4 हो सकता है, n l इक्वल टू 4 हो सकता है, l इक्वल टू 3 हो सकता है, बट 0 1 नहीं हो सकता है। अब समझ नहीं आ रहा था मेरे, बट ठीक ठीक सवाल है, समझ आया जिसका भी डाउट था? Yes. और कोई डाउट 80 नंबर के अलावा? 85 क्वेश्चन नंबर 85 में द टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 4। क्या दिक्कत है बनाने में? टोटल वैल्यू का मतलब मालूम क्या होता है? जितने ऑर्बिटल्स उतना ओरिएंटेशन, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ m मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल्स उतने ओरिएंटेशंस, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m। जैसे s सबशेल में m का वैल्यू केवल एक होता है 0, p सबशेल वाले पार्ट में m का वैल्यू 3 होता है -1 0 +1, d सबशेल में m का वैल्यू 5 होता है -2 -1 0 +1 +2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है बेसिकली और कुछ नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ m, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो n स्क्वायर के बराबर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो भी n का वैल्यू उसका स्क्वायर कर दो, तो 4 का वैल्यू 16, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। ये याद रखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर, इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2 × l + 1, इस टाइप से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 के अलावा और कोई डाउट बताओ जल्दी? नो सर। तो हम लोग सॉल्यूशन वाले पार्ट से तो आज कुछ होमवर्क नहीं दे सकते, क्योंकि तुम लोगों को वो टॉपिक बताया नहीं अभी फर्दर, कल के क्लास के बाद हम होमवर्क दे देंगे। और इसमें कहां तक होमवर्क दिया था? 90 तक ना? 90। ओके, तो इस वीक तो और फर्दर क्लासेस नहीं है। अगर फर्दर क्लासेस नहीं है तो 91 से होमवर्क ट्राई करना शुरू करेंगे, ट्राई करते जाएंगे। और होमवर्क जो है, एक मिनट, ट्राई करते, कितना क्वेश्चन है इसमें? अरे एक्सरसाइज ही चेंज हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट कर लो, 120 तक कंप्लीट कर लो, बाकी बचा हुआ होमवर्क हम बाद में दे देंगे। अगर तुम लोगों को होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो और होमवर्क मांग लेना हमसे। मीटिंग एंड हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आराम से। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।